हेलो एवरीवन सो अभी आपने बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ पोर्टिवल न्यूज़ पोर्टल्स और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि ऑल अक्रॉस द कंट्री आपको जो है ये ट्रक ड्राइवर्स दे आर प्रोटेस्टिंग दे आर ऑन द स्ट्राइक सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है वाई दे आर प्रोटेस्टिंग वाई दे आर सिटिंग ऑन द स्ट्राइक सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ जनवरी से क्या हुआ कि उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया और उसके तहत उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर दी कई स्टेट्स में हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला उनमें से जैसे कि गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तो कई जगह रोड ब्लॉक्स और हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया जिससे हुआ क्या कि जो व्हीकल्स की मूवमेंट थी उसको उसमें दिक्कत आई रोड ब्लॉक्स हो गई क्योंकि और फ्यूल सप्लाई भी अफ़ेक्ट हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप्स तक जो सप्लाई होता है पेट्रोल और डीजल वो ट्रक्स के थ्रू होता है सो दे आर ऑन द स्ट्राइक सो उस वजह से जो है स्केरसिटी हो गई उसकी पेट्रोल इसकी फ्यूल सप्लाई so, की सो कई ऐसी स्टेट्स में या कई ऐसी सिटीज़ में देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई पेट्रोल पम्प्स में तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया इसकी वजह से इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ दे आर प्रोटेस्टिंग कैसे रोड ब्लॉक कर दिया एंड दे आर सेटिंग ऑन द स्ट्राइक सो हम समझते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्ट्राइक स्ट्राइक के पीछे का रीज़न क्या है जो स्ट्राइक हो रही है ये हो रही है इन रिस्पॉन्स टू तो द भारतीय न्याय संहिता जिसको आईपीसी को रिप्लेस करके जो है गवर्नमेंट हमारी बी एन एस को लेकर आई है सो आ थ्री डेज स्ट्राइक वाज लॉन्च अगेंस्ट इट बाय द ट्रक बस एंड टेंकर्स ड्राइवर्स अब इसमें क्या है इसमें कुछ प्रोविजन्स डाल दी गई है हिट एंड रन के केस में पहले क्या होता था कि अगर हिट एंड रन का केस होता भी है तो उसमें सिर्फ दो साल की सजा थी लेकिन बी के तहत क्या हुआ कि ऐसी प्रोविजन्स डाल दी गई है कि उसमें कम से कम दस साल की सज़ा मिलेगी आपको सो so, इसी के अगेंस्ट प्लस सेवन लैक का फाइन इसी के अगेंस्ट दिस दे आर सेटिंग ऑन स्ट्राइक जैसे मैंने आपको बताया अंडर आई पी ए अगर जो है डेथ एंड हिट एंड रन का केस होता भी था तो सिर्फ दो साल की सज़ा थी सो so, जो प्रोटेस्टिंग ड्राइवर्स है दे आर नाउ डिमांडिंग द रिपील्स ऑफ द न्यू प्रोविजंस वो चाहते हैं कि जो नई प्रोविजंस को ऐड किया गया है उनको गवर्नमेंट हटा दे ओके okay. क्योंकि उनका कहना है कि दिस विल डिस्क्रेज द ड्राइवर्स एंड मे लीड टू द अनजस्ट पनिशमेंट्स सो उनका ये भी कहना है कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कोई इंजर्ड हो जाए हमसे या कहाँ हिट एंड रन के केस में मान लो एक्सीडेंट हो गया हमसे और हम ही उनको जो है हॉस्पिटल्स तक ले, ले जाना चाहते हैं तो हमको हम मोव वायलेंस भी फेस करना पड़ता है कि हमें जो है जनता पीट पीट कर मार देती है सो so, uh, ये सारे उन्होंने अपनी दलीलें रखी ये पॉइंट्स अपने सामने रखे हैं तो उसी बीच जो है राजेंद्र कपूर ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि हम हमसे हम कुछ, कुछ कंसल्टेशन की ही नहीं की गई गवर्नमेंट के द्वारा मतलब हम आ, वी आर द स्टेक होल्डर्स हमारे ऊपर जो है हमारे लिए जो है कानून लेके आया गया और हमसे कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया गया उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हालांकि अभी इंप्लीमेंट हुआ भी नहीं है प्रेजिडेंट ने अपनी असिडेंट दे दिए हैं को बफा जोन में रखा गया है शायद दो से, दो से तीन महीने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी सो यू कैन सी दिक्स हिस्टर द कोप्स आर स्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे केस देखने को मिल रहा है कि जहां पर रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया एंड दे आर प्रोटेस्टिंग सो डज द न्यू इन हिट एंड रन केस से नया कानून कहता क्या है अंडर द न्यू लॉ विच रिप्लेस द आई पी सी ड्राइवर्स हु कॉज अ सीरियस रोड एक्सीडेंट बाई नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड रन अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस और एनी ऑफिशल फ्राम द एडमिनिस्ट्रेशन कैन फेस पनिशमेंट ऑफ अपू टेन ईयर्स और अ फाइन ऑफ रुपीज़ सेवन लैख मान लो कोई हिट एंड रन करके भाग जाता है वो स्पॉट पर अवेलेबल नहीं है पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म नहीं किया सो so, उसको दस साल की सज़ा हो सकती है और अ फाइन ऑफ रुपीज़ सेवन लैख सात लाख का तक का जुर्माना लग सकता है उसके ऊपर ठीक है तो ये जो है न्यू प्रोविज़न एड की गई है बी एन एस के तहत दिस इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ मतलब मोटर स्टार स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर द फ्यूल सो नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका कई जगह हमको चक्का जाम देखने को मिला जैसे कि मध्य प्रदेश में सो बस ड्राइवर्स इन रायपुर एंड छत्तीसगढ़ वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उन्होंने जो है कंप्यूटर्स को ले जाने से मना कर दिया सो बस आर ऑल्सो स्टैंडिंग स्टिल सो प्रोटेस्टर्स ऑब्स्ट्रेक्टेड हाईवेज़ इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात जैसे खेड़ा वल्सत गिर सोमनाथ बहरोज कई जगह आपको जो है उन्होंने व्हीकल्स बीच में खड़े कर दिए रोड के और रोड्स को ब्लॉक कर दिया एक ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टर्स की बॉडी है दे हैव क्लेम्ड द इम्पैक्ट ऑफ दिस रोड ब्लॉकेज एंड स्ट्राइक इज़ दैट कि जो मूवमेंट है कम से कम पाँच लाख व्हीकल्स का वो रुक गया मध्य प्रदेश के अंदर एक ट्रांसपोर्टर्स की बॉडी है उन्होंने कहा है कि कम से इस स्ट्राइक की वजह से कम से भी कम पाँच लाख व्हीकल्स का जो है मूवमेंट रुक गया है मध्य प्रदेश में क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स मध्य प्रदेश ही आते हैं सो एंड इट लीटल डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन सप्लाई चेन पर इफेक्ट आया एंड वनिंग द शॉटेज ऑफ ड्राइवर्स अक्रॉस द कंट्री सब लोग स्ट्राइक ट्रैक पर चले गए तो ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है कई कई राज्यों में जो है पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई है जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में सर देखने को मिल रहा है पंजाब एंड हरियाणा में भी क्योंकि लोगों को डर है कि भाई पेट्रोल पम्प पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा तो इस वजह से सब जल्दी जल्दी जाके दे आर स्टैंडिंग इन द लाइन टू गेट दे आर व्हीकल्स डी सो so, अम्बाला uh, में ऐसा देखने को मिला है कि जो है फ्यूल शॉर्टेज हो गई है एक पेट्रोल पंप पे एंड चंडीगढ़ में भी जो है लोग पैनिक कर रहे हैं एंड दे आर बाइंग फ्यूल वेरी फास्ट एंड जैसे कि मैंने आपको बताया लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने भी क्योंकि बस ऑपरेटर्स भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं एंड इससे सिर्फ पेट्रोल के दाम ही नहीं बढ़े वेजिटेबल फ्रूट्स एंड एसेंशियल गुड्स सप्लाई वाज आल्सो अफेक्टेड सो so, इन्होंने जो है ना वेजिटेबल की सप्लाई सही से हो पा रही है ना फ्रूट्स की सप्लाई हो पा रही है क्योंकि ये सभी जो तो ट्रक ड्राइवर से करते थे ट्रक के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजा जाता था लेकिन वो लोग स्ट्राइक चले गए तो सिर्फ इससे पेट्रोल पर इफेक्ट नहीं आया वेजिटेबल्स पे फ्रूट्स पर एसेंशियल गुड्स पर भी इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो जाएंगे सो नियरली टू पेट्रोल पम्प्स रन आउट ऑफ फ्यूल है ट्रक ट्रकस स्ट्राइक सो so, कम से कम दो हज़ार ऐसे पेट्रोल पम्प जहाँ पे जो है आ, आ, जो है पेट्रोल पम्प आउट ऑफ फ्यूल हो गया है यू कैन सी दिस पिक ऑफ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टिंग। दे हैव द एंटायर रोड आट आर द ड्राइवर्स ड्राइवर्स की क्या कंसर्स है सो so, एक जगतपाल शर्मा है फोर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड ट्रक ड्राइवर उनका कहना है कि हमको सिर्फ दस से बारह हजार सैलरी मिलती है सो so, अगर हम पे सात लाख का फाइन लगता है तो हम कहाँ से देंगे हाउ डू आई पे लैक्स ऑफ रुपीज़ एज अ फ़ाइन सो हम फोर्सफुली uh, हमें कुछ और कोई और जॉब लेनी पड़ेगी और हमको क्विट करना पड़ेगा ये प्रोफेशन सो so, उनका uh, ये भी कहना है कि अगर इस लॉ के तहत तो हम हमसे जो है कोई हिट एंड रन का केस हो जाए मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक तरफ तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ मॉब मार देगा मॉब लिंचिंग की वजह से और अगर हम वहाँ से भाग जाते हैं तो दूसरी तरफ वी हैव टू फेस द टेन ईयर्स ऑफ जेल विथ हैवी पेनल्टी सो हम तो दोनों तरफ से ही फंस गए एंड जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमसे कंसल्टेशन नहीं करी गई एंड लो कॉर्मेंट कर दिया सो एंड वी आर अ वेरी मतलब हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू तो आवर कंसर्नस सो so, द इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो अप्रेंसिव अबाउट द इंक्रीज हरासमेंट extortion, unnecessary डिटेंशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उनका कहना है कि अब आप, आपको डर लग रहा है कि अगर हमसे कोई गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए उनका कहना है कि एक्सीडेंट कोई जानबूझ के तो करता नहीं है लेकिन अगर गलती से हो भी जाए तो हमको अननेसरी डिटेंशन पुलिस के द्वारा हरासमेंट एंड लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे सो so, अब वो चाहते हैं कि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट उनकी डिमांड को सुने और इसको जो है प्रोविजन्स को रिपील कर दे सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक यू सो मच